भाई मोटा मोटी मैं आपको अपनी सेविंग बता देता हूँ, मेरी रनिंग है एक महीने में 1500-1600 किलोमीटर के आसपास, ठीक है, जिसमें एक फुल टैंक पे मेरे पास ब्रेजा है पेट्रोल में 48 लीटर फ्यूल आता है एक टैंक के अंदर जब फुल कराता हूँ तो मैं, उसके अंदर हाईवे और सिटी मिला के तकरीबन 816-821 किलोमीटर चल जाती है, हाईवे और सिटी दोनों चीजें मिला के 15 दिन में मुझे फ्यूल अप फिर कराना पड़ता है, टैंक फुल कराना पड़ता है। वहीं मैं जब से ईवी चला रहा हूँ, पहले मैं इससे ZS चला रहा था, इससे पहले वो एक चार्ज पे 350 किलोमीटर चलती थी फुल चार्ज होने पे 100% पे सिटी के अंदर, और ये फुल चार्ज होने पे चल रही है 170-180 किलोमीटर, हालांकि MG वाले इसे 230 किलोमीटर क्लेम कर रहे हैं, बट 180 के आसपास ये सिटी के अंदर चल जाती है। अब आप सेविंग देखिए, इसे आप 5-6 घंटे में घर के अंदर चार्ज कर सकते हैं, और एक बार चार्ज करने के बाद 180 किलोमीटर आप चल रहे हैं, ठीक है। अगर मैं महीने का अपना कैलकुलेशन करूं तो मैं डेली 100 किलोमीटर नहीं चलता, जब 15 दिन में मैं 800 किलोमीटर चलता हूं तो भाई मुझे ये गाड़ी आप ये लगा लीजिए महीने के 8,000-9,000 रुपए बचा के दे रही है। मेरी रनिंग 1500 किलोमीटर है महीने में, तो मुझे 8,000-9,000 रुपए बच रहे हैं महीने। अगर कहीं भिड़ी हुई पार्किंग में आपने गाड़ी खड़ी करी है तो को ड्राइवर से उतरना, को ड्राइवर से चढ़ना पड़ेगा, तो इजिली ना आप इस तरह से यहाँ पर आ सकते हो, चाहे आपकी कितनी ही लंबाई है, यहाँ से शिफ्ट होना बहुत इजी है ड्राइवर सीट पे। और अब देखो मैंने रात को ड्राइविंग पे उस पर लगाई थी फुल परसेंट 100% चार्ज करी है मैंने रात को, ये देखना अभी यहाँ पे बैटरी आने वाली है इसकी, 100% करके सो जाता मैं, 100% है, 200 किलोमीटर रेंज दिखा रही है, 14,915 चलिए। इको मोड पे करेंगे पूरे दिन आज इस गाड़ी को ड्राइव, देखते हैं कितनी हमारी बैटरी जाती है, 100% पे चल रहा हूँ, 200 किलोमीटर रेंज है। और इस गाड़ी को ना बैक करना भी बहुत इजी है, कितनी कंजस्टेड गाड़ी हो 4 फुट जगह चाहिए इसको, 4-4.5 फुट, और ये वहां गाड़ी आराम से बैक हो जाती है। तो चले पहले मैं बार गाड़ी निकाल लूं यहां से, AC कर लेते हैं ऑन और चलते हैं भाई। हेलो, मैं कह रहा हूँ जो भिड़ी हुई गलियों में रहते हैं ना जो लोग, उनके लिए तो भाई ये सोच लो ये गाड़ी वो है प्रॉपर सॉल्यूशन है, रामबाण है भाई, कहते हैं ना हर चीज का सॉल्यूशन रामबाण, तो ये रामबाण है। कितनी भिड़ी गली हो, कितनी कंजस्टेड हो, इजिली निकाल ले जाओगे, इजिली बैक हो जाएगी थोड़े से स्पेस के। और मैं जिस तरह के एरिया में रह रहा हूँ देखो, बाइक वाले भी खड़े हो जाते भाई कहीं भी रास्ते में, सामने से दो दो तीन तीन गाड़ियां मिल जाती हैं आती हुई, आगे गाड़ी चल रही है, तो बड़ा इजी है इस गाड़ी को ड्राइव करना, इस तरह के कंजस्टेड एरियाओं में से इस गाड़ी को निकालना सबसे इजी काम लगा मेरे को इस गाड़ी को, कहना फन टू ड्राइव है कार, बट मजा भी आता है गाड़ी को चलाने में, क्योंकि फीलिंग आपको एक ऐसा नहीं लगता कोई नैनो टाइप गाड़ी में बैठे हुए हो इसका, चाहे मीटर देखो, चाहे आप यहाँ जो म्यूजिक सिस्टम है वो देखो, इंटीरियर देखो, स्टेयरिंग देखो, कहीं से भी आपको चीप फील नहीं कराएगा, चाहे इसकी प्लास्टिक क्वालिटी देख लो, AC वेंट्स वगैरह कहीं भी कोई ट्रीटमेंट उठा कर देख लो, कहीं से भी आपको चीप फील नहीं कराएगी कि भाई आप कोई वैसे ही गाड़ी लेके घूम रहे हो, ये चीज आपको महसूस नहीं होने देगी। जब मैं घर से चला था तो इसमें 100% बैटरी थी, 200 किलोमीटर इसकी ड्राइविंग रेंज आ रही थी, 14,915 किलोमीटर पे मैं निकला था, जिसमें रास्ते में रेड लाइट वगैरह पे भी खड़ा हुआ हूँ मैं 5-10 मिनट, तो ये लगा लो कि तकरीबन 7 किलोमीटर चल चुका मैं, 6% बैटरी में 7 किलोमीटर चल चुका हूँ मैं, और 188 किलोमीटर इसकी रेंज रह गई है, रेंज ज़्यादा घटी है, रेंज तकरीबन 12 किलोमीटर कम हुई है 7 किलोमीटर के अंदर में, क्योंकि रेड लाइट वगैरह भी है, रुके भी रास्ते में, गाड़ी भी स्टार्ट खड़ी रही है, तो वहाँ पे 94% बैटरी में 7 किलोमीटर गाड़ी चली है। अभी देखा जाए तो मोटा मोटी वही आप 1% में 1 किलोमीटर का हिसाब लगा सकते हो फिलहाल, बाकी पूरा दिन ड्राइव करने वाले इसका पूरा देखेंगे कि कितना हिसाब किताब रहता है। अच्छा, जैसे ZS EV में बटन था गाड़ी स्टार्ट करने के लिए, यहाँ कोई पावर बटन वगैरह नहीं है, सिर्फ जो ब्रेक पैंडल है ये आपको 2 बार प्रेस करना है, 1-2, ठीक है, उसके बाद देखो रेडी लिखा आ गया यहाँ मीटर पे, तो गाड़ी रेडी हो चुकी है चलने के लिए। हैंड ब्रेक डाउन करेंगे, डी मोड पे डालेंगे, सीट बेल्ट लगाते हैं और निकलते हैं। कैमरा क्वालिटी रिवर्स गियर में देख सकते हो आप, डे लाइट में तो अच्छी है, थोड़ा जहाँ रात में हो या डे रोशनी कम हो जहाँ पे लो लाइट में, वहाँ थोड़ा इसकी कैमरा क्वालिटी इशू देती है, दिक्कत देती है थोड़ी सी। अच्छा, ये तो चलो मैंने आपको दिखा दिया कितनी रेंज पे मैं निकला, कितने से मैंने स्टार्ट करा इसे चलाना,
बाकी मैं आपको बताऊं गाड़ी में जैसा आप स्टीयरिंग वगैरह देखोगे तो पूरा लग्जरी फील देता इस गाड़ी का इंटीरियर। यहाँ 10 इंच की म्यूजिक सिस्टम की स्क्रीन मिल जाती है, यहाँ पे आपको मीटर मिल जाता, ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हो गया, यहाँ इन्फोटेन सिस्टम होगा, इसमें एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों चीजें वायरलेस दी हुई है, और भाई क्लियरिटी काफी अच्छी है स्क्रीन की, दोनों स्क्रीन की, चाहे कितनी धूप हो ब्राइटनेस में कोई कमी नहीं है। इसमें आप यूएसबी लगा सकते हो। वहीं इसमें जैसे इको स्पोर्ट्स 3 ड्राइव मोड दिए हुए हैं, मैं आज इसे इको पे ड्राइव कर रहा हूँ, नीचे आपको 2 पेन ड्राइव की जगह मिल जाती है, यहाँ 12 वोल्ट का आउटपुट भी दिया हुआ। चलो ये तो एक अलग चीज हो गई, इसका तो एक वॉक अराउंड की वीडियो हैगी, चैनल पे देख सकते हो आप। बट सीट कम्फर्ट बहुत प्यारा अकॉर्डिंग टू हाइट, मैंने 5'10" हाइट है मेरी और उस पर मैं ड्राइव कर रहा हूँ, पीछे या आगे भाई एसी की कोई कमी महसूस नहीं होती। जैसा मैं बोलता हूँ ना कि कार सेगमेंट के हिसाब से फीचर इसमें एक प्रॉपर कार वाले दिए गए हैं, जो एक हैचबैक होती है, एसी की भी एक वही कूलिंग है जो प्रॉपर आपको कार के अंदर मिलती है। बाकी ड्राइविंग की बताऊं मैं, स्टीयरिंग काफी इजी है, काफी सॉफ्ट है, और इतना भी सॉफ्ट नहीं है कि आप अनबैलेंस हो जाओ हाईवे पे या थोड़ा स्पीड में जाके, बट यह है कि अच्छी ग्रिप है, पूरा रैप स्टीयरिंग दिया हुआ है और स्टीयरिंग अपनी पोजीशन ले लेता है, ये देखो कितना ही घुमाओ स्टीयरिंग को अपनी जगह वापस, स्टीयरिंग अपने आपको एडजस्ट कर लेता है, बिल्कुल बीच में आके सेट हो जाता है। बाकी मैं तो इसे नॉर्मल स्पीड पे चला रहा हूँ, एसी की पूरी कूलिंग है, एक ये कप होल्डर्स दोनों बड़े यूज के हैं, पानी की बोतल रखी हुई है मैंने, और भाई ठंडी रहती है पानी की बोतल मेरी, ठीक है, वाटर बोतल पे साइड में नहीं दिया डोर्स पे, बट यहाँ आप ये 1 लीटर वाली बोतल आराम से रख सकते हो, बड़ी इजिली रख जाएगी और आपका पानी ठंडा रहेगा। बाकी बोनट व्यू वगैरह तो इसमें ऐसा कुछ आता नहीं, जो लोग नैनो से कंपैरिजन करते हैं वो बता दूं, नैनो से ज्यादा कंफर्ट है, नैनो पेट्रोल में आती थी, ये इलेक्ट्रॉनिक कार है, 5 घंटे में 100% चार्ज हो जाती है एसी चार्जर से, अगर वोल्टेज आपके घर पे अच्छी आती है तो। बाकी चलाने में कोई पावर की कमी महसूस नहीं होती गाड़ी को, सिटी में जैसे मैं ड्राइव कर रहा हूँ इसे, सिटी के अंदर अंदर कहीं भी पार्क करने के लिए इजिली जगह मिल जाती है गाड़ी को, इजिली गाड़ी को ट्रैफिक में से निकाल सकता हूँ मैं, काफी आराम से ट्रैफिक से बाहर आ जाता हूँ निकल के, चाहे कितनी भीड़ लग रही हो वहां से एक बाइक की तरह आप इसको इजिली निकाल सकते हो, स्पेस थोड़ा ज्यादा लेती है बाइक से वो चीज अलग है, बट इजिली निकल सकते हो, कोई ज्यादा आपको इसमें स्ट्रगल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ मैंने, जो इंटीरियर है इस गाड़ी का ये आपको चीप क्वालिटी नहीं मिलती, कोई महसूस नहीं होगा, चाहे डोर्स हो, चाहे ये प्लास्टिक हो, ये पैनल हो, ये सॉफ्ट टच हो, यहाँ सॉफ्ट टच हो, सारा आपको प्रीमियम मिलता है, कहीं भी आपको कोई ऐसी चीपनेस प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, मतलब चीप प्रोडक्ट की क्वालिटी महसूस नहीं होगी। और एक देखो जैसे मैंने अभी स्टीयरिंग बताया ना इसका, जैसे मैं देखो यू टर्न लेना मेरे को यहाँ से, जहाँ जाना था वो पीछे रह गया स्टोर, तो मैं यहाँ से इसे वापस मोड़ देता हूँ, ठीक है, अब ये देखो अपनी पोजिशन पे स्टीयरिंग वापस आ जाता है स्ट्रेट पोजीशन पे। देखिए भाई इसके साइज का सबसे बड़ा बेनिफिट है, मैं कितने कंजस्टेड एरिया में ड्राइव कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको पहले ही बोला था यहाँ इतना भीड़ भाड़ वाला एरिया है, और भाई इन जगहों पे ना हमारी मेन बचत होती है पेट्रोल डीजल की, क्योंकि यहाँ आपको इतना रस मिलता है इस एरिया में देखने के लिए। अगर आप किसी भी पॉर्श एरिया में रह रहे हैं, किसी भी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक वाली सिटी में रह रहे हैं, मेट्रो सिटी में, तो भाई वहाँ ये सब चीजें आप लोग भी फेस करते होंगे। यही इस गाड़ी का साइज बहुत बड़ा मैटर करता है, बेनिफिट मिलता है इस गाड़ी के साइज का, कि इजिली मैं इसको कहीं से भी निकाल सकता हूँ, कहीं से भी मीन्स एक छोटा स्पेस देख के अकॉर्डिंग टू हैचबैक मैं इसे कहीं से भी गाड़ी को इजिली बाहर निकाल सकता हूँ, और ट्रैफिक के अंदर इसका साइज कोई मैटर नहीं देता, कोई दिक्कत नहीं देता, इजिली फन टू ड्राइव है, जैसे मैंने पहले भी बोला मजा आता है ड्राइव करने में। और भाई स्टीयरिंग देखो इसका, स्टीयरिंग क्या स्टीयरिंग एडजस्टमेंट है, कहते हैं ना भाई बेनिफिट है, फ्यूचर है ये, और आज तो वैसे भी भाई अब मुझे चलाते चलाते से, अब ये देखो मैं चलाता 14,800 कितने किलोमीटर पे चलाता वो देख लेना पीछे आप, मैं चल चुका हूँ 14,935, ठीक है, शायद 895 पे चलाता मैं जहाँ तक मुझे याद है। अब इसमें बैटरी रह गई है 80% और रेंज रह गई है 160 किलोमीटर, बट गाड़ी में थकान महसूस नहीं होती, रेगुलर 4-5 घंटे हो गए मेरे को इस गाड़ी को चलाते चलाते इधर उधर घूमते घूमते। जहाँ यार हम मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, पॉश एरियाज में रह रहे हैं, जहाँ इतना जाम वगैरह देखने के लिए मिलता है हमें, वहाँ रेड लाइट पे खड़ा होना पड़ जाता है, एक से डेढ़ मिनट की लास्ट रेड लाइट रहती है,
हमारे दिल्ली फरीदाबाद गुड़गांव वगैरह में मैक्सिमम रहती है, तो वहाँ आप ये देखिए हमारा पेट्रोल एक से डेढ़ मिनट में भी काफ़ी फर्क पड़ता है और एनवायरमेंट पे कितना फर्क पड़ता है। दूसरा एसी गाड़ी का काफ़ी अच्छा है, जैसे मैं पहले भी कई बार शायद बता चुका वीडियो के अंदर, बाकी गाड़ी को ड्राइव करने का एक्सपीरियंस, थकान नहीं होती, सीट कंफर्ट बहुत अच्छा है। अंडर थाई स्पोर्ट वगैरह में थोड़ा सा इशू है, अंडर थाई स्पोर्ट इतनी अच्छी नहीं मिलती, बट फिर भी आप ड्राइविंग इजीली कर सकते हो, कोई मैटर नहीं रहने वाला। अगर मेरी 510 आइटम मुझे अंडर थाई स्पोर्ट थोड़ी कम लग रही है, हो सकता है हाइट पे मैटर करती हैं वैसे ये चीज़ें, थोड़ा हाइट कम होगी तो शायद अंडर थाई स्पोर्ट भी अच्छी मिल जाए। बाकी देखो जैसे अभी मैं एक रेड लाइट से निकला, दूसरी रेड लाइट पे मैं आ चुका हूँ, तो यहाँ मुझे फिर से खड़ा होना है। यहाँ पे भाई इन ईवी कार्स का बहुत बड़ा बेनिफिट रहता है, काफ़ी अच्छा बचत होती है अगर हम डेली चलने वाले आदमी हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा भाई डेली चलता हूं मैं, मेरा 100 किलोमीटर रनिंग हो जाती है। मैं अपनी ब्रेजा है मेरे पास पेट्रोल की, उस गाड़ी में मेरा डेली ना कुछ डेली नहीं, मंथली आप हाफ ये लगा लीजिए कि 4000 से 4500 रुपये का पेट्रोल लग जाता है मेरा, ठीक है, 20-22 दिन में मेरा। अब इस गाड़ी को जब से मैं ड्राइव करूं, पहले मैंने इससे पहले ZS EV चलाई थी, तो आप ये लगा लीजिए कि मैं 4-4500 रुपये अगर 20 दिन के अंदर बचा रहा हूँ, तो हम एक महीने के अंदर आप 5-5500-6000 रुपये लगा सकते हो कि हम एक महीने के अंदर सेव कर सकते हैं। तो सेविंग तो है इसके अंदर, बाकी टायर छोटे हैं तो ऐसा नहीं है कि भी कहीं भी आपको ये लगेगा इसका ड्रॉबैक मिलेगा टायर छोटे का। गाड़ी की हाइट ग्राउंड क्लियरेंस ठीक है, अच्छे बड़े स्पीड ब्रेकर पे भी गाड़ी टच नहीं होती, ड्राइव रेंज अच्छी है, मज़ा आता, एसी अच्छा है। मेन मैंने बताया इंटीरियर जो इस गाड़ी का है, चाहे स्टेयरिंग ले लो चाहे प्लास्टिक ले लो, कोई भी चीप क्वालिटी का प्रोडक्ट इस गाड़ी के अंदर यूज़ नहीं किया गया, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के सारी चीज़ें यूज़ की गई हैं। डोर हैंडल्स वगैरह यहाँ भी कोई आपको आवाज़ वगैरह सुनने को नहीं मिलेगी, जबकि मेरी ब्रेजा में मुझे डोर हैंडल्स में बहुत चिड़चिड़चिड़ करने की आवाज़ आती है, क्योंकि ब्रेजा में मारुति ने चीप क्वालिटी की प्लास्टिक यूज़ की हुई है। बाकी कुछ इसी तरह का था मेरा ड्राइविंग एक्सपीरियंस, अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की। भाई गाड़ी छोटी सी है बट देखो रीडिंग लाइट भी कितनी रोशनी करती है, देखो कितनी अच्छी लाइट देती है, कितनी ब्राइटनेस हो जाती है, वाइट रीडिंग लाइट मिलती है इसमें, ठीक है। ये तो हो गई आपकी रीडिंग लाइट, अब बाहर देखो मैं आपको इसका हेडलैम्प का थ्रू दिखाता हूँ, ये देखो ठीक है, ये ऑन करा लो बीम पे, ये हाई बीम पे, अब आप दीवार पे देख पा रहे होगे तो देखो कहाँ तक इसकी रोशनी जा रही है, तो लाइट थ्रू तो अच्छा मिल रहा है ना, और अभी तो थोड़ा उजाला है, मैं इस वजह से यहाँ पे लेकर आया हूँ, बाहर उजाला देखो पर सामने अंधेरा, पेड़ वगैरह काफ़ी लगे हुए हैं, दीवार पे अगर आप नोट कर पा रहे हो तो देखो लाइट थ्रो अच्छा मिल जाता है इसका।